हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी लेट नाइट ही खान सर ने स्पेशली रेलवे एलपी वैकेंसीज़ को लेके ही वीडियो बनाई है। उसमें उन्होंने कहा भी है कि वैकेंसीज़ इंक्रीज़ हो जाएगी और किसी तरीके की हिंसा नहीं करनी है, और ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया भी ये सारी बात। उसके बाद ये रेलवे की तरफ से भी देखो कैंच बयान आया है, इसको भी सुनते हैं। ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से महाप्रबंधक जी बात कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या बोला है उनकी भी बात सुनेंगे। फिलहाल खान सर ने अपनी वीडियो में बताया है कि एज रिलैक्सेशन को लेके, वैकेंसीज़ को लेके बात हुई है और निश्चित तौर से पॉजिटिव रिजल्ट उसमें मिलने हैं। तो सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में जाएं, और जिस तरीके से आप लोगों से रिक्वेस्ट की गई है कि किसी भी तरीके की कोई भी हिंसा तोड़फोड़ ना की जाए, ये बहुत सही बात है। क्योंकि बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग्स आती हैं और उसमें फिर कोई होगा जो गलती करेगा और उसकी भुगतना किसी दूसरे को पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। फिलहाल आज मैं जो भी जिस तरह की चीज़ें देखी, न्यूज़ में भी देख रहे थे, बाकी चीज़ें ठीक ही हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोगों ने अपनी बात रखी सही से, ये बात ठीक है, लेकिन किसी तरीके की हिंसा उनसा को कोई भी बढ़ावा नहीं देना चाहेगा, इसीलिए खान सर ने आप लोगों से भी रिक्वेस्ट की है। फिलहाल यहाँ पे सर जो बोल रहे हैं उनकी भी बात सुनते हैं कि नियुक्तियों को लेकर क्या कह रहे हैं। योजना बना रहा है, ये देखिए, रेलवे ने हाल ही में एक साल के अंदर ही 1.5 लाख लोगों को रोजगार नियुक्ति दी गई है। ये सर ने बताया कि भाई एक साल के अंदर हमने 1.5 लाख लोगों को नियुक्तियां दी हैं, और इसके बाद सर ये बोलना चाह रहे हैं कि हम हर साल नियुक्तियां देंगे। अब रेलवे ने नया रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया है। रेलवे अब रेगुलर बेसिस पर हर साल वैकेंसीज निकालने की योजना बना रहा है, प्रैक्टिकली हर साल, एवरी ईयर, क्योंकि रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस हर साल बढ़ रहा है। देखो, ये इनकी बात भी एक तरीके से ये जो बोल रहे हैं ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई रेलवे का जो ऑपरेशंस है वो हर साल इंक्रीज़ हो रहा है, कहीं पे पदों को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, कोई पद समाप्त भी हो रहा है टेक्नोलॉजी के चलते, इसलिए हर साल रिक्रूटमेंट की तैयारी जो है वो चल रही है। तो फिलहाल अगर हर साल वैकेंसी की तैयारी चल रही है तो फिर बच्चों का बार बार वही सवाल आ रहा है कि सर पिछले 5 साल की दे दीजिए और फिर उसके बाद आप हर साल वैकेंसीज दे दीजिएगा, इस तरीके की जो बातें चल रही हैं वो अभी नीचे भी कमेंट में आप देखेंगे। वैकेंसीज को ईयरली बेसिस पर एवरी ईयर हर साल भरा जाएगा। इसी डायरेक्शन में रेलवे ने 5,696 ALTs का रिक्रूटमेंट प्रोसेस 20 जनवरी से स्टार्ट किया। तो सर ये बोलना चाह रहे हैं कि हम हर साल वैकेंसीज निकालेंगे, जिसके चलते हमने 5,000 वैकेंसीज निकाली हैं। तो इसके नीचे लगातार स्टूडेंट भी अपनी बात रख रहे हैं कि पिछले 6 साल का हिसाब दीजिए, 5,000 वैकेंसीज थी तो 5,000 के हिसाब से 6 साल में 30,000 वैकेंसीज होती हैं। उसके बाद देखो, ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि हर साल वैकेंसीज आएँ, लेकिन इस साल जो 5-6 साल के बाद वैकेंसीज आई हैं, इस चीज़ के लिए भी स्टूडेंट जो बात कर रहे हैं वो भी काफ़ी हद तक ठीक है कि भाई इतने साल में जो वैकेंसीज आई हैं कम से कम इस बार आ जाएँ, फिर हर साल वैकेंसीज होते रहें। बाकी तो देखिए, सारी चीज़ें जो पॉजिटिव वे में जाएँ तो अच्छा ही है। और खान सर ने भी बात की है, खान सर भी बोल रहे हैं, बाकी भी टीचर्स ने बात की है, और भी टीचर्स हैं जो पटना के बड़े बड़े टीचर्स हैं, उन लोगों की भी बातें हुई हैं। तो अब देखते हैं कि क्या पॉजिटिव रिजल्ट निकलते हैं, लेकिन पॉजिटिव ही रिजल्ट आए तो ज़्यादा बेहतर है। और उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा है कि विश्वास करिए आप, पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा और किसी भी तरीके की कोई भी हिंसा को कोई भी बढ़ावा नहीं देना है, ना आप लोगों को, ना किसी टीचर को, किसी को भी। क्योंकि अगर आप लोग हिंसा या किसी चीज़ में आते हैं, बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, आपका करियर बर्बाद हो जाता है। इसलिए बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से, जैसे आज वीडियोस वगैरह देख रहे थे तो स्टूडेंट ने काफ़ी शांतिप्रिय तरीके से सारी चीज़ें रखी थी, वो चलो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है वो चीज़, लेकिन किसी भी तरीके की हिंसा तोड़फोड़ ये सब चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। क्योंकि रेलवे आपकी जो बातें हैं, खान सर ने बोला है कि, और बाकी टीचर्स भी बोल रहे हैं कि आपकी जो बातें हैं वो हायर लेवल तक पहुँचा दी गई हैं पूरी, तो उस पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। फिलहाल ये अपडेट है जो लेट नाइट बहुत अपडेट है, ये 12:30 बजे या 12:45 के आसपास की अपडेट थी। तो ये वीडियो आप लोगों को डाल दी जा रही है, आप लोग देख लीजिएगा जैसा भी है। फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। लेकिन किसी भी तरीके की तोड़फोड़ हिंसा में आप लोग शामिल ना हों, ये बहुत अच्छी बात रहेगी, नहीं तो कोई और कर जाएगा बीच में आके। और जो मासूम छात्र हैं, जो बेचारा 6 साल से तैयारी कर रहा है, उसने कुछ भी नहीं किया, वो फंसता है तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए आप लोग प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपके बीच में भी कोई ऐसा इंसान है जो बिना बात की बातें फालतू की करता है, तो उन चीज़ों से भी आप सतर्क रहें। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। और बाकी खान सर ने भी काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझाया है, बाकी टीचर्स भी आप लोगों को अच्छे से समझा रहे हैं। तो फिलहाल ये आप लोगों की अपडेट थी जो सर ने बताई है, बाकी आप लोग अपनी राय रख सकते हैं।